नमस्वय दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन 19 मई 2024 को होने वाला है, तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 19 मई 2024 की सुबह है, 8:48 पर शुक्रदेव मेष राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र को वृषभ राशि में बल मिलता है और यहां पर ये मालव्य नाम का राजयोग भी बनाने वाले हैं और 12 जून 2024 तक शुक्र वृषभ राशि में ही संचरण करने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों, शुक्र स्वयं आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं, तो इन 24 दिनों की समयावधि में किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता देने वाले हैं और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलना है। शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों, ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों में शुक्र को बहुत ही शुभ ग्रह माना गया है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन और सभी प्रकार के भौतिक सुखों का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शुक्र का ही आधिपत्य होता है। यदि कुंडली पर शुक्रदेव प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो कई प्रकार की सफलता भी जीवन में देखने के लिए मिलती है। बलवान शुक्र के प्रभाव से जातक के वाणी और व्यक्तित्व में आकर्षण होता है। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर की सुंदरता और वाणी की मिठास के द्वारा विपरीत लिंग को भी आकर्षित कर सकता है। बलवान शुक्र के प्रभाव से सभी प्रकार का भौतिक सुख यानी मटेरियलिस्टिक सुख आसानी से ऐसा व्यक्ति अर्जित करता है। शुक्र का बलि प्रभाव परिवार का सहयोग दिलवाता है, वहीं जातक को क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता दिलवाता है। यही शुक्र जब जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में विराजित हो तो काफी ज्यादा परेशानियों का, समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। पीड़ित शुक्र के प्रभाव से यौनांगों में, जननांगों में बीमारियां, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, धन संपत्ति को लेकर सामना, कष्टों का सामना यानी धन के रुकावट और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है और परिवार में कलह है, शुक्र के कमजोर होने पर देखने के लिए मिलती है। कभी कभी तो जीवन में मुकदमेबाजी होती है, विवाह में विलंब भी होने लगता है और खराब शुक्र के प्रभाव से जीवन में जातक को जेल योग भी शुक्र बनाते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। तुला राशि वाले जातकों, 19 मई 2024 को शुक्र स्वयं आपके राशि के स्वामी होकर और आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों, जो कुंडली का अष्टम घर है, उस भाव से आयु के बारे में, दुखों के बारे में, ससुराल पक्ष, अचानक लाभ के बारे में, टेक्निकल काम और दुर्घटनाओं के बारे में इस भाव से जानकारी ली जाती है। तो यहां पर आपके जीवन में शुक्रदेव आपको बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों, यदि आप इस समयावधि में किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, आपकी मेहनत और आपके मनोबल में विकास देखने के लिए मिलने वाला है। तुला राशि वाले जातकों को टेक्निकल क्षेत्रों में, क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़े हुए कामों में सफलता मिलने वाली है।
इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों, आपके जीवन में व्यावसायिक उन्नति, व्यापारिक नवीनीकरण और व्यापारिक सफलता भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तुला राशि वाले जातकों, विदेशी स्रोतों से धन लाभ की संभावना उच्चतम बनने वाली है और इस समयावधि में तुला राशि वाले जातक, यदि आप कर्जों का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे तुला राशि वाले जातक पिछले समय से ही अपने आप को काफी परेशान महसूस कर रहे हैं और जिन भी जातकों के जीवन में कर्ज बना हुआ है, इस समयावधि में 24 दिनों की समयावधि में आपके जीवन में कर्जों से निजात मिलने वाली है। और इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों, शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके द्वितीय भाव पर जाने वाली है। जो आपका द्वितीय भाव है उससे एजुकेशन का, परिवार का विचार किया जाता है। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्रों में जिन भी जातकों का जुड़ाव है, तो शिक्षा के क्षेत्र में यह समय आपके लिए शुभकारी परिणाम देने वाला है। शुक्र महाराज आपके राशि के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव पर विराजित है, तो वर्तमान समय में ऐसे व्यक्ति जो दर्शन शास्त्र, रिसर्च, अनुसंधान, PhD वगैरह, ऐसे तुला राशि वाले जातक जो कर रहे हैं, उनको काफी सफलता, उत्तम परिणाम मिलने वाला है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों, अष्टम भाव पर राशि के स्वामी मौजूद हैं, तो सेहत को लेकर जरूर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। आंखों में जलन, हड्डी जनित समस्या और पेट से जुड़ी हुई समस्या तुला राशि वाले जातकों को यहां पर मिलने की संभावना भी बन सकती है। तो तुला राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। अब तुला राशि वाले जातकों, शुक्र जैसा कि आपको पता है कि आपके स्वयं राशि के ही स्वामी माने जाते हैं, तो इनका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपको आने वाले समय में भी लाभ होगा और इन 24 दिनों में जो आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ने वाला है वो आपके जीवन में काफी कम हो जाएगा। तो यहां पर आपको ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना काफी शुभ रहने वाला है। तथा तुला राशि वाले जातकों को शुक्रवार के दिन कन्याओं को, छोटी कन्याओं को यदि आप नया वस्त्र डोनेट करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। सफेद चीजों का दान करना भी आपके लिए काफी शुभकारी है, जिसमें आप चावल, मिश्री, कपास, सफेद वस्त्र, दुग्ध या दही, इनमें से भी किसी भी चीज का यदि आप दान करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।